नमस्कार, ये खबर उत्तर प्रदेश के रायबरेली से है, जहां किसान के समर्थन में सड़क पर उतरे कांग्रेसी। नए किसान बिल के विरोध में सड़क पर अब कांग्रेसी उतर आए हैं। जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय तिलक भवन से सैकड़ों की तादाद में कांग्रेसी कार्यकर्ता हाथों में झंडा बैनर लेकर निकले और भारत सरकार के खिलाफ नारेबाजी किया। जिलाध्यक्ष पंकज तिवारी ने किसान बिल को काला कानून बताया। उन्होंने कहा कि यह कानून किसानों को गुलाम बनाने के लिए है। विरोध कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र मोदी को उद्योगपतियों के इशारे पर काम करने वाला प्रधानमंत्री कहा। जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय से सैकड़ों की तादाद में निकले कांग्रेसी सुपरमार्केट, घंटाघर, हाथी पार्क, अस्पताल चौराहे होते हुए डिग्री कॉलेज चौराहे पर शहीद चौक पर धरने पर बैठ गए। भले ही सरकार कानून वापस न ले, लेकिन विपक्ष पूरी ताकत लगा रहा है कि किसानों के बीच उसकी पैठ बने। देखिए, रायबरेली से राकेश कुमार की रिपोर्ट। क्या परिचय है आपका दादा? मैं पंकज तिवारी, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी रायबरेली। क्या कार्यक्रम किया गया आप लोगों द्वारा? अभी भाजपा की सरकार ने इसी संबंधित तीन काले कानून जो बनाया है, ये तीन काले कानून किसान के विरोधी हैं। हमारा किसान हमारे देश का अन्नदाता है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, और हमारे देश का किसान लोगों के लिए खाद्यान्न की व्यवस्था करता है, और हमारा जवान जो उस किसान का बेटा है वो देश की सीमा पर रह करके देश की सीमा की रक्षा करता है और सजग प्रहरी होता है। लेकिन इस भाजपा की सरकार ने ये तीन किसान विरोधी काले कानून जो बनाया है, ये तीनों काले कानून किसान के हितों में नहीं है। क्योंकि हमारा किसान एक देश की रीढ़ होता है, मतलब मुख्य किसान होता है। किसान से हमारा देश चलता है। अगर हमारा किसान खुशहाल नहीं रहेगा तो साथियों हमारा देश बदहाल हो जाएगा। तो तीनों काले कानून को लेकर के हमारे नेता, हमारे देश के नेता राहुल गांधी जी कई राज्यों में ट्रैक्टर रैलियाँ कर चुके हैं, किसान की सभा को संबोधित कर चुके हैं। हमारी नेता और उत्तर प्रदेश की प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी किसान को संबोधित कर चुकी हैं। पूरी कांग्रेस की पार्टी ये दृढ़ संकल्प किए हुए है कि तीनों काले कानून ये जब तक निरस्त नहीं हो जाएंगे कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठेगी। आप जो लोग देख रहे हैं कि देश की सीमा जो हमारे देश की राजधानी है, उसी राजधानी में हमारे देश का किसान आंदोलन किए हुए बैठा हुआ है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को टाइम नहीं है कि उनके पास जाएं और उनकी बात करें। कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है, किसानों के सम्मान में, किसानों के हितों में लड़ती रहेगी, और कांग्रेस के लोग पीछे नहीं हटेंगे। अभी दिल्ली में 26 जनवरी को जो किसानों द्वारा किया गया है, इस पर आप क्या कहना है? जो 26 जनवरी को किया गया ये भाजपा के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम था। भाजपा के RSS का वो आदमी था, भाजपा के नेताओं के साथ उसको फोटो देखी गई है, उनके उन्होंने ये फैलाया कि एक हिंसा जानबूझ के फैलाई है, और किसान संगठन को उन्होंने बदनाम करने की कोशिश किया है। हमारे देश का किसान समझदार है, वो समझ रहा है कि मोदी की सरकार कैसे लोगों को गुमराह कर रही है। किसान हमारा चुप नहीं बैठेगा, और तीनों काले कानून को जब तक रद्द नहीं होगा तब तक किसान का आंदोलन चलेगा। यदि ये कानून वापस नहीं लिए जाते तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा?